बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? मज़े में है ना? हाँ, तो आज हम आपको पार्ट नंबर 3 अपनी वस्तु हमने पहले आपको पढ़ाया था, और उस कहानी में आपने पढ़ा होगा कि दोनों भाई होते हैं, आपस में ज़मीन के लिए लड़ते हैं, और एक महात्मा जी आते हैं, और महात्मा जी के द्वारा उनकी लड़ाई समाप्त की जाती है, चाहे वो कोई ना कोई उपाय ढूंढ करके। महात्मा जी ने पहले कहा था ना कि मुझे भूख लगी है, आप कुछ भोजन का प्रबंध करें, और जब भोजन का प्रबंध कर दिया तो कहा इस भूमि को पूछना पड़ेगा, और जब ज़मीन के कान लगा करके महात्मा जी ने पूछा तो ज़मीन ने कहा नहीं, मैं किसी इन दोनों भाइयों की हूँ, और आज तक किसी ने मेरे ऊपर मालिकाना हक नहीं जताया, क्योंकि लोग आते हैं और चीज़ तो ज़मीन तो मैं वही हूँ लेकिन मालिक बदलते रहते हैं, लेकिन ये असली मालिक इसका कोई नहीं है, ये ज़मीन यहाँ है और यहीं रह जाएगी, लोग आते जाएंगे और मालिक बन बन करके चलते जाएंगे, लेकिन असली और पक्का मालिक इसका कोई नहीं है। इस प्रकार दोनों भाइयों को अक्ल आ गई, और दोनों ने क्या किया बच्चों, क्या किया बताओ? देखिए, दोनों ने ये लड़ाई समाप्त कर दी। तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर करवा रहे हैं। आप लिखिए इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को किसने समझाया, बताओ बच्चों? आपको मालूम है ना दोनों भाइयों को समझाने वाले कौन थे, कौन आए थे बीच में, किसने भोजन मंगाया, किसने भूमि को पूछा, आपको मालूम है ना? दोनों भाइयों को लिखो, दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। किसने समझाया था? महात्मा जी ने समझाया था। दूसरा, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? उस राय को आपको इसमें लिखना है। तो इसमें लिखना है, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को यह राय दी कि जिस भूमि के लिए आप दोनों झगड़ रहे हैं तो उसको ही पूछ ले कि तेरा असली मालिक कौन है। ठीक है ना बच्चों? फिर आइए तीसरे प्रश्न पे। भोजन भोजन
बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? भोजन मंगवाने में उनका क्या उद्देश्य था? सीधा लिख दो आप, दोनों भाइयों के क्रोध को शांत करना। ठीक है ना बच्चों? पहला प्रश्न है, दोनों भाइयों को किसने समझाया? तो आपको लिखना है, दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया था। फिर आगे देखो, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को यह राय दी कि जिस भूमि के लिए आप दोनों झगड़ रहे हैं तो उसको ही पूछ लेते हैं, यानी भूमि को ही पूछ लेते हैं कि तेरा असली मालिक कौन है। तीसरा है, भोजन बनाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? तो उत्तर लिखो बच्चों, दोनों भाइयों के क्रोध को शांत करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर चार लिखिए। प्रश्न नंबर चार है, प्रश्न नंबर चार में लिखिए, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? उत्तर में लिखो बच्चों, महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। ठीक है ना? प्रश्न नंबर पांच, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? उत्तर में लिखना बच्चों, दोनों भाई इसलिए लज्जित हुए क्योंकि जिस भूमि को वो अपना बता रहे थे उसी भूमि ने उन दोनों में से
किसी एक की भी नहीं होने एक की भी होने से मना कर दिया। ठीक है ना बच्चों। फिर आइए अंतिम प्रश्न, एक छठा प्रश्न, अंतिम प्रश्न। इसके सभी प्रश्न आप बड़े सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। प्रश्न नंबर 6, यदि समय मिला तो हम आगे और करवा देंगे। प्रश्न नंबर 6 में लिखो, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया। उत्तर में बच्चों आपको लिखना है, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को यह समझाया कि ये धरती किसी के भी साथ नहीं जाती, ये धरती किसी के साथ नहीं जाती है, ये धरती यहीं रहती है, हम इस ज़मीन के लिए भले ही लड़े, है ना। बड़े बड़े राजा और छत्रपति भी इसे अपना कहकर चले गए। यही बड़े बड़े राजा और छत्रपति भी चले गए, लेकिन ये धरती यही है। ठीक है ना। अगले प्रश्न में कुछ मुहावरे हैं बच्चों, मुहावरों का अर्थ देना है। प्रश्न नंबर 7 में आपको मुहावरे है, मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। पहला मुहावरा है, लाल पीला होना। बच्चों इसका अर्थ होता है, लाल पीला होना का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। लाल पीला होना का अर्थ होता है अत्यधिक क्या होना, हाँ अत्यधिक क्रोधित होना। इसका प्रयोग आप लिखोगे, भूमि की लड़ाई में एक भाई दूसरे भाई पर लाल पीला हो गया, है ना, ये हो गया इसका प्रयोग। इसी प्रकार दूसरा है, 9-2-11 होना। बच्चों इसका अर्थ होता है भाग जाना। अब इसका प्रयोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग लिखेंगे
पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। पुलिस को देख करके चोर भाग गया। फिर तीसरा मुहावरा है बच्चों, पसीना पसीना होना, पसीना पसीना होना, इसका अर्थ होता है घबरा जाना, घबरा जाना। इसका प्रयोग आप कुछ भी आराम से लिख सकते हैं। सांप को सामने देखकर बच्चा पसीना पसीना हो गया। सांप को देख करके और बच्चा पसीना पसीना हो गया। तो बच्चों अपनी वस्तु पाठ आज पूरा हुआ। इसका ये तीसरा पाठ हमने पहले आपको पढ़ाया था, आज इसके प्रश्न पूरे हो गए। अगले चौथे पाठ में, अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें जाने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।